भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अहम भाग है। लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। देश में खाद्य उत्पादन में गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता के लिए कृषि क्षेत्र में बुनियादी व्यवस्था की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, पर खेती बाड़ी बारिश पर निर्भर है। अधिक बरसात और सूखे को बर्दाश्त करने की आवश्यकता है और यह देखना है कि खेती बाड़ी के लिए जरूरी पानी की कमी न हो। सिंचाई क्षेत्र में MEIL लगातार आगे बढ़ते हुए देश जनता के जीवन में रोशनी फैला रहा है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मौजूदा जल संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती बाड़ी के लिए जरूरी पानी को समृद्ध बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बदलते समय के अनुसार नए जरूरतों के लिए अनुकूल इंजीनियरिंग की क्षमता को बढ़ाते हुए MEIL ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है। देश में कृषि विकास के लिए चल रहे प्रयासों में MEIL सबसे आगे है। विशाल सिंचाई जल परियोजनाओं का निर्माण करके किसानों के जीवन को रोशनी करना है। MEIL विश्व स्तर के आधुनिकीकरण इंजीनियरिंग विशेषज्ञता से समय पर प्रोजेक्टों को पूरा करके किसानों और ग्रामीण आबादी के जीवन को उजागर कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही साथ देश के कई नदियों के अनुसंधान के काम भी MEIL सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। अपने इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने में MEIL माहिर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में बहुत जटिल सिंचाई प्रोजेक्टों को पूरा कर चुकी है। आसिया खंड में सबसे बड़े ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट को MEIL ने कर्नाटक के बगलकोट में स्थापित किया है। यह प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप से इजराइल की कंपनी नेताफिम द्वारा समर्थित किया गया था। इसके लिए 2150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हर किसान अपने खेत में स्थापित सिलेंडर के माध्यम से ड्रिप सिंचाई से सीधे फसल को पानी की आपूर्ति कर सकता है। यह प्रोजेक्ट कृष्णा नदी के बैक वाटर में किसी भी कचरे को साफ करने और फसलों को प्रदान करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा क्षिप्र सिंहस्त नदी अनुसंधान और पेन्ना कृष्णा नदी अनुसंधान के तहत मुच्चुमर्री पट्टी सीमा प्रोजेक्ट को कम समय में पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाया। गोदावरी एलुरू नदी अनुसंधान के लिए उपयुक्त पुरुषोत्तपट्टनम लिफ्ट केनाल का काम भी पूरा कर दिया। गुजरात में सबसे प्रतिष्ठात्मक सौराष्ट्र नर्मदा अवतार सिंचाई सोनी योजना है। यह गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए यह सिंचाई और पेयजल प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में कच्छ नहर परियोजना नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का हिस्सा है। MEIL ने परियोजना में 60 मीटर की ऊंचाई तक पानी पंप करने के लिए 3 पंपिंग स्टेशन बनाए। इससे गुजरात के 182 गांवों में 2,78,000 एकड़ जमीन को लाभ होगा। मध्य प्रदेश में खारगोन परियोजना को MEIL ने 3 चरणों में पूरा किया है। इस परियोजना से 33,140 एकड़ जमीन खेती बाड़ी के लायक बनी और 152 गांवों में 18,536 किसान परिवारों को लाभ मिला है। हंद्री नीवा उत्थान परियोजना में दुनिया के किसी भी तटबंध योजना की तुलना में अधिक पंप हाउस और मशीनें हैं। MEIL ने कुल 43 पंप हाउस बनाकर और योजना के चरण 1-2 में 269 यूनिटों को स्थापित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कि एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, उसे बहुत कम समय में पूरा करके अपनी क्षमता की पहचान करवाई। कालेश्वरम तहत बना सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पंप हाउस एक मुख्य आकर्षण है। बड़े पैमाने पर योजना जो प्रतिदिन अधिकतम 3 TMC पानी उठाने के लिए बनाई जा रही है, 17 पुलों में कुल 120 मशीनें हैं और इनमें से MEIL ने 105 मशीनें लगाई हैं। सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन ने गायत्री को प्रतिदिन 2 TMC पानी पंप करने के लिए स्थापित किया है। 139 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 13 यूनिटों की कुल क्षमता वाले इन पंपिंग स्टेशनों को भूगर्भ में बनाना बहुत विशेष है।
इस प्रकार MEIL द्वारा बनाए जाने वाले कई परियोजनाओं का जिक्र आते रहेंगे। कर्नाटक में सिंगटालूर ड्रिप इरिगेशन, गुंडल, कित्तूर, एत्तिनाहोले, रामनगर सत्यगला, तरीकेरी ड्रिप, हन्नूर जैसी परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। मध्य प्रदेश स्थित कालीसिंध, पोलावरम, वेलिगोंडा, देवादुला, पालमूरु रंगारेड्डी, सीतारामा, डिंडी, उदय समुद्रम और कई प्रोजेक्टों में EPC शैली की सिंचाई परियोजनाओं का भी निर्माण कर रही है। पेयजल, सिंचाई जैसे अत्यावश्यक प्रोजेक्टों को आधुनिक तरीकों से निर्माण करते हुए MEIL देश की जनता के जीवन में विकास एवं भरोसे को उजागर कर रहा है।